हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है सभी ग्रेजुएट्स के लिए, हम वो सभी डिस्कस करेंगे। JKP बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम डेट को लेकर एक अनाउंसमेंट आप कह सकते हो, वो हम वो डिस्कस कर लेंगे। JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और SSC GD की बात करें, फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए होने जा रहा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ JK SSB एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस हो चुकी है, बट PWD का रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले हम शॉर्ट में इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। देखो, JK SSB की बात करें, जो नोटिफिकेशन नंबर 2 था, उसके एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। 17 अगस्त से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, 24 अगस्त तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं उनके, और 7 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर यह है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है PWD का, वो अभी तक नहीं आया है। PWD के स्टूडेंट्स काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाकी बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म भी हो रही है और इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो JK SSB से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जो भी बच्चे आने वाले टाइम पर DV के लिए जाएंगे, जो एक डेट्स बचे हैं, वो जाकर वहाँ पर कन्फर्म करें कि PWD का रिजल्ट कब तक आने वाला है, ताकि उनको भी कुछ, मतलब वो भी तब से वेट करें तो उनको भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलना चाहिए। ये था JK SSB एग्जाम डेट्स अनाउंस, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आगे बात कर लेते हैं हम, अगर बॉर्डर बटालियन की यहाँ पर हम बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, JKP बॉर्डर बटालियन की बात करें, इनका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी गई है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट में आने वाले दिनों में अपडेट आ जाएगा। जो इंटरव्यू लिया गया था, अब आपको पता है एक अच्छा खासा मीडिया चैनल है, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया है, जम्मू कश्मीर के टॉप मीडिया चैनल में से वो एक है। तो उनके द्वारा जो पूछा गया, तो वहाँ पे बताया गया है कि JKP बॉर्डर बटालियन का जो एग्ज़ाम है वो इसी मंथ एंड में हो सकता है, या फिर सितंबर के स्टार्टिंग तक वो एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा अपडेट है JKP बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम चले थे पहले फ्री मॉक टेस्ट की तरफ, फिर बाकी बातें करते हैं। पहले आपको बताना चाहूँगा, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करें, तो आप जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा JKSSB जम्मू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओली बोर्ड, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया का सबसे बड़ा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ओली बोर्ड को माना जाता है। यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें, देखो JK SSB पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करें, ये जो है वो फ्री एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम बनाया गया है, आपको ऐसे लगेगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो। यहाँ पर आपको क्या रहने वाला है, फ्री मॉक टेस्ट रहने वाला है। आपको जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और अपना फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको ओली बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी डाउनलोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ओली बोर्ड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं, क्यों आपके लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी अटेम्प्ट करना, वो आप सभी को पता है। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता लग जाएगी, आपके टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट में आप कहाँ रहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी मिल जाएगा, आप अपने आपको बाकी बच्चों से कंपेयर कर सकोगे। तो अपने आप स्टार्ट कर सकते हो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फ्री मॉक टेस्ट। ऐसे प्लेटफॉर्म में फ्री मॉक टेस्ट मिलना मुश्किल रहता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप में से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहना चाहूँगा, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तभी आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट ये रहने वाला है, इंग्लिश का सेक्शन होता है, रीजनिंग का सेक्शन होता है, वो बाकी एग्जाम में भी कॉमन रहता है। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो भी जाके मॉक टेस्ट ज़रूर दें, आपको अपना एनालिसिस आप अच्छे से कर पाओगे। और उसी तरह से ओली बोर्ड की बात करें, SSC GD कॉन्स्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। प्रॉपर इस तरह का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह का रहने वाला है, ये भी फ्री मॉक टेस्ट है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर SSC GD का जो एग्ज़ाम है, फ्री मॉक टेस्ट है, वो आप जाके वहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा इन मॉक टेस्ट को लेकर या एप्लीकेशन को लेकर, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। जो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है, ये हम आपको टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम में, वहाँ पर भी शेयर कर लेंगे, आप वहाँ पर जाके भी क्लिक करके तो पेपर देना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे। हम चलते हैं हम नेक्स्ट जॉब अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे CDS की तरफ से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए, वो CDS का जो आपका एग्ज़ाम है, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे वुमेन भी जो है वो अप्लाई यहाँ पर कर सकती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं करा तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 अगस्त है, टाइम लिमिटेड रहता है, 4 अगस्त की डेट आपको दिख रही होगी, और 24 अगस्त लास्ट टाइम है। आप सभी को पता हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपका डिग्री वगैरह है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और बाकी डिटेल्स वगैरह अगर आप चाहते हो, जैसे IMA की बात करें, 100 वैकेंसीज हैं, इंडियन नेवल अकेडमी की 22 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स की 32 वैकेंसीज हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की 169 वैकेंसीज हैं, OTA चेन्नई की बात करें, आगे 16 वैकेंसीज भी यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे 339 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रिटर्न एग्जाम रहेगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका जो यहाँ पर रहने वाला है,
देखो एग्जामिनेशन सेंटर का जम्मू में भी देखने को मिल रहा है आपको, जम्मू में भी एग्जामिनेशन सेंटर है, हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर है, कहीं पर भी जाकर एग्जाम वगैरह आप दे सकते हो, आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। और सिलेबस वगैरह की बात करें, आपको सिलेबस दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे सिलेबस का रहने वाला है और ओलिव बोर्ड पर आपको इसके भी मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे आने वाले टाइम पर, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन का क्या सिस्टम रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश रहने वाला, आपके सामने मार्क्स पर भी सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन कर दिए गए यहाँ पे, तो आप जाके देख सकते हो। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 2 आवर का टाइम मिलने वाला है, 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसी तरह से जीके की बात करें, यहाँ पर भी 2 आवर का टाइम है, मैथमेटिक्स का भी 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ये है इंडियन IMA की बात करें, अगर आप OT की बात करना चाहते हो तो वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है और GK रहने वाला है, तो आपके सामने ये सेक्शन रहा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आपको CDS का एग्जाम का पैटर्न पता ही होता है, किस तरह का CDS का एग्जाम वगैरह आता है, किस तरह का रहता है, तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी आपके सामने क्लियरली मेंशन है। अगर आप चाहते हो ये PDF आपको मिल जाए तो आप कमेंट करके बता देना, हम टेलीग्राम पे इस PDF का लिंक भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पे जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम क्लियर करने के बाद SSB होगा, SSB पर ऑलरेडी हम वीडियोज़ बना चुके हैं, तो बाकी किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।